अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ओके इंजीनियरिंग। आज हम बात करने वाले हैं स्टोन के बारे में। स्टोन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो वीडियो देखने से पहले जो हमारा चैनल है ओके इंजीनियरिंग, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि अगर हम कोई अनदर वीडियो लेके आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो बात करते हैं हम अपनी वीडियो की। तो वीडियो जो है हम बात करते हैं स्टोन पे। तो जो स्टोन होता है हमारा, ये रॉक्स से बनता है। जो हमारी चट्टानें होती है रॉक्स, उनसे स्टोन बनता है। तो स्टोन पे जाने से पहले हमको रॉक्स के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो हम बात करते हैं रॉक्स की। जब हम रॉक्स की बात करते हैं तो रॉक्स जो होती है हमारी, ये 3 क्लासिफिकेशन होता है रॉक का। तो 3 क्लासिफिकेशन कौन कौन सा होता है हमारा, ये पहला क्लासिफिकेशन होता है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एंड जो सेकंड क्लासिफिकेशन होता है वो होता है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। एंड जो थर्ड एंड लास्ट जो क्लासिफिकेशन होता है रॉक्स का वो होता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब जो हमारा रॉक्स हमारी होती है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। अब जियोलॉजिकल के भी हमारे कुछ टाइप होते हैं, फिजिकल के भी होते हैं और केमिकल के भी होते हैं। तो हम इसमें साथ के साथ एग्जांपल भी देंगे कौन सा कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा 3 टाइप का होता है, एक इग्नियस, एक सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो पहले होता है हमारा इग्नियस एंड सेकंड होता है हमारा सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री और जो थर्ड क्लासिफिकेशन होता है वो होता है हमारा मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक। ये जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होते हैं 3। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा इस एग्जांपल होते हैं कि जैसे हमारे इग्नियस रॉक है, तो इग्नियस रॉक हमारी ज्वालामुखी से बनती है। जो ज्वालामुखी विस्फोट होती है उससे हमारी इग्नियस रॉक बनती है। तो इग्नियस रॉक के जो एग्जांपल हैं जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलोमाइट, जो स्टोन होते हैं ये हमारे इग्नियस रॉक्स से बनते हैं। तो कौन कौन से बनते हैं हमारी, है एक तो हो गया हमारा ग्रेनाइट, एंड सेकंड हो गया हमारा बेसाल्ट और ट्रैप, डोलोमाइट। ये जो स्टोन होते हैं ये हमारे इग्नियस रॉक्स के बनते हैं। उसके बाद में अगला आता है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है हमारे, ये पतली होती है, इसमें परत होती है हमारी। तो इससे कौन कौन से हमारे पत्थर बनते हैं, बलुआ पत्थर एंड लाइम स्टोन, जिप्सम, CaSO4 फॉर्मूला होता है जिप्सम का, लेटेराइट, सेल एंड लिग्नाइट। ये हमारे एग्जांपल हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के।
मेड अप परफेक्ट रॉक्स जो होती है इसमें दोनों से बनती है हमारे, कैसे हमारा ग्रेनाइट से बनता है इसमें नाइस, ग्रेनाइट से कौन सा पत्थर बनता है हमारा नाइस, एंड लाइम स्टोन जो होता है हमारा उससे बनता है हमारा इसमें मार्बल। इसी तरह से हमारे इसमें होते हैं बलुआ पत्थर जो होता है क्वार्टजाइट बनता है, सेल से आपका स्लेट बनता है। तो ये थी हमारी इग्नियस सेडिमेंटरी मेटामॉर्फिक रॉक्स जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। अब बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपके जो रॉक्स होती हैं वो टू टाइप की होती हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन इसमें आपकी टू टाइप की रॉक्स होती हैं। तो कौन कौन सी इसमें रॉक्स होती हैं आपकी, पहली होती है इसमें स्ट्रेटिफाइड एंड सेकंड होती है आपकी अन स्ट्रेटिफाइड। ये टू टाइप की आपकी इसमें रॉक्स होती हैं। तो इसके भी हमारे एग्जांपल होते हैं। स्ट्रेटिफाइड जो रॉक होती है इसका जो एग्जांपल है ये जो बनती है इसमें आपका आता है लाइम स्टोन आता है, जिसे कहते हैं हिंदी में चूना पत्थर, लाइम स्टोन एंड स्लेट। ये जो स्टोन होते हैं ये आप कहते हैं स्ट्रेटिफाइड में। अनस्ट्रेटिफाइड में आपका कौन कौन सा आता है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, नाइस बेसाल्ट, ट्रैप, ग्रेनाइट ईटीसी, ये आपके अनस्ट्रेटिफाइड में आ जाते हैं। उसके बाद में हमने कौन कौन से कर लिए, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। बात करते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारी भी कौन कौन सी रॉक्स होती हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारी रॉक्स कौन कौन सी आती हैं, इसमें आपका सिलिका में आता है, मृतिका में और चूना में, तीन हमारी इसमें रॉक्स आती हैं। पहली कौन सी होती है हमारी, सिलिशियस, एंड जो सेकंड हमारी इसमें रॉक्स आती है वो होती है क्ले, एंड थर्ड जो रॉक्स आती है वो होती है कैल्केयर्स। इसमें क्या होता है हमारा, सिलिकस में हमारे आते हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, सरपेंटाइन। ये जो स्टोन आते हैं आपके ये आते हैं सिलिशियस में। क्लेट में कौन कौन से हमारे स्टोन आते हैं, स्लेट आता है, लेटराइट, सिस्ट आता है, सिस्ट, लेटराइट एंड आपका इसमें आता है स्लेट। और इसमें आते हैं आपके लाइम स्टोन एंड आता है आपका डोलोमाइट, मार्बल इटीसी, आपके इसमें इस तरह से आते हैं आपके। इसमें हमारी तीनों हो जाती हैं जो हमने रॉक्स का क्लासिफिकेशन किया था, जियोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल। ये थ्री टाइप का क्लासिफिकेशन था। जियोलॉजिकल में हमारे तीन टाइप थे, फिजिकल में हमारे टू टाइप थे और केमिकल में हमारे थ्री टाइप थे। ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ क्वेरिंग। इसके बारे में पढ़ते हैं। क्वेरिंग मतलब हमारा स्टोन कहाँ से आता है, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्खनन, कि हमारा जो स्टोन है वो कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो हम इसमें मेथड्स होते हैं क्वेरिंग के, कि हम किस तरह वहां से निकालेंगे। तो हमारे इसमें फाइव मेथड होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मेथड पे। पहला मेथड होता है हमारा डिगिंग और सेकंड होता है हमारा हीटिंग बाय हीटिंग एंड थर्ड मेथड होता है बाय वेटिंग और आपका फोर्थ मेथड होता है इसमें कैंडलिंग एंड आपका फिफ्थ जो मेथड होता है वो होता है ब्लास्टिंग बाई
ब्लास्टिंग, ये आपके 5 मेथड थे क्वेरिंग करने के। अब इसके बाद में हम कुछ हमारे बिल्डिंग स्टोन होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं हम अपने स्टोन के बारे में, हमारे कौन कौन से स्टोन होते हैं। स्टोन काफी होते हैं जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टोन होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला जो स्टोन होता है हमारा, बात करते हैं पहले ग्रेनाइट के बारे में। पहला स्टोन है हमारा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के बारे में बात करते हैं, ग्रेनाइट है क्या, कहां से आता है। तो ग्रेनाइट जो होता है इग्नियस रॉक से बनता है। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में दिया था पीछे जो रॉक्स बताई थी। तो इसके जो इसमें सिलिका होता है उसकी क्वांटिटी 60 to 80% एंड इसका जो स्पेसिफिक वेट होता है, स्पेसिफिक वेट जो इसका होता है वो था हमारा 2.6 to 2.7। ये जो बात कर रहे हैं हम ग्रेनाइट स्टोन के बारे में बात कर रहे हैं। और इसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो अब्सॉर्प्शन करेगा ये, वो करता है कम से कम 0.5% आपका ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद में बात करते हैं इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है हमारी ग्रेनाइट की वो होती 770 to 1300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो होती है ये हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ग्रेनाइट की। उसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं तो यूज, यूज हमारा ये कहाँ होता है, यूज होता है हमारा ये ब्रिज बनाने में, प्रकाश स्तंभ, बांध बनाने में इस तरह। और ये हमको प्राप्त कहाँ से होता है, यानी रिसीव हमको कहाँ से ये मिलता है। तो ये हमको मिलता है लगभग इंडिया के सभी क्षेत्रों में हमको मिल जाता है, ऑल इंडिया में ही हमको मिल जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो स्टोन आता है, नेक्स्ट स्टोन आता है हमारा बेसाल्ट एंड ट्रैप। बात करते हैं बेसाल्ट एंड ट्रैप के बारे में। बेसाल्ट एंड ट्रैप के बारे में हम बात करते हैं। तो बेसाल्ट एंड ट्रैप जो होता है इग्नियस एंड सिलिशियस जो रॉक्स होती हैं उनसे हमारा ये बनता है। और इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, भारी होता है काफी, और इसका जो कलर होता है वो कौन कौन से कलर में होता है, ये येलो एंड ग्रीन और ब्लू, ये इस तरह के कलर में होता है। और जो ग्रेनाइट में हमारे कौन कौन से कलर होते हैं, ग्रेनाइट में हमारा ब्लैक भी होता है, स्तरहीन होता है, चित्तीदार भूरा होता है इसमें थोड़ा कलर। बात करते हैं अपने बेसाल्ट एंड ट्रैप पे। और इसकी सामर्थ्य जो होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ होती है हमारी 1532-1890 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड वाटर एब्जॉर्ब करेगा, कितना वाटर ऑब्जॉर्ब करेगा हमारे, वाटर करेगा 0.5%। ग्रेनाइट भी हमारा 0.5% ही वाटर एब्जॉर्ब कर रहा था। और इसकी स्पेसिफिक वेट जो होता है वो होता है हमारा 3.0। एंड इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है बिल्डिंग में अन्य अदर वर्क, फाउंडेशन एटसेट्रा। ये हमको रिसीव कहाँ से होता है, कहाँ कहाँ से हमको ये प्राप्त होता है। तो रिसीव होता है ये एमपी मध्य प्रदेश से, बंगाल से, महाराष्ट्र से, ये हमको यहाँ से रिसीव होता है। उसके बाद में नेक्स्ट
जो हमारा स्टोन आता है। नेक्स्ट स्टोन पे बात करते हैं, सैंड स्टोन। सैंड स्टोन जिसे कहते हैं बलुआ पत्थर। तो सैंड स्टोन हमको मिलता है सेडिमेंट्री रॉक्स से। सैंड स्टोन प्राप्त होता है हमको सेडिमेंट्री रॉक्स से, और इसका जो कलर होता है, इसके कलर व्हाइट होता है, एक रेड होता है, हमारा ग्रीन भी होता है इसमें, ब्लू, ब्लैक, इन कलर, ये हमारे कलर होते हैं सैंड स्टोन के। उसके बाद में इसकी जो स्पेसिफिक वेट होता है, सैंड स्टोन का स्पेसिफिक वेट होता है 2.65 to 2.95, एंड इसका जो वाटर एब्जॉर्ब, हमारा वाटर एब्जॉर्ब सैंड स्टोन जो होता है हमारा, वाटर एब्जॉर्ब हमारा कितना करेगा, 5 to 6%। ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो हमने इससे ऊपर दो स्टोन पढ़े थे वो कर रहे थे हमारा 0.5% वाटर एब्जॉर्ब, और ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा हमारा 5 to 6%। उसके बाद में इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इसकी कितनी होगी, 650 kg/cm². इसकी ये हमारी इतनी स्ट्रेंथ होगी। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं इसकी यूज, अगला टॉपिक आता है इसके लिए यूज, हमारा यूज कहाँ होता है। ये यूज होता है हमारे ये बिल्डिंग में, और ये रिसीव कहां से होता है हमको, ये हमको रिसीव होता है कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, ATC, ये हमको यहां से कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से हमको सैंड स्टोन प्राप्त होता है। उसके बाद में हमारा फोर्थ आता है, फोर्थ की बात करते हैं लाइम स्टोन। फोर्थ स्टोन आ गया हमारा लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन को हम ये जो लाइम स्टोन होता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं उनसे बनता है, और ये जो कलर होता है हमारा लाइम स्टोन का, इसमें हमारा वाइट आ जाता है, वाइट, येलो, ये हमारे कलर आ जाते हैं लाइम स्टोन में। और इसका स्पेसिफिक वेट जो होता है हमारा लाइम स्टोन का, स्पेसिफिक वेट होता है 2.75। इसका वाटर एब्जॉर्ब कितना करेगा हमारा, ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा हमारा 1 to 4% वाटर एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद में इसकी स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जिसे हम बोलते हैं, स्ट्रेंथ होती है इसकी 550 kg/cm, उसका इसकी स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद हम बात होते हैं इसके यूज की, कि ये यूज कहाँ पे होता है। इसको हम यूज करते हैं पत्थर की जो पट्टियाँ होती हैं घरों में, जब हम मकान बनाते हैं तो पत्थर की पट्टियाँ पड़ती हैं, तो वो इससे बनते हैं, फ्लोर इससे बनते हैं, खड़ंजे बनते हैं, तो ये हमें यूज होता है। रिसीव कहाँ से होता है हमको, प्राप्त होता है ये हिमाचल प्रदेश HP से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से, ये हमको यहाँ से प्राप्त होता है। एंड फाइव नंबर पे स्टोन आता है आपका लैटेराइट। बात करते हैं हम लैटेराइट के बारे में। लैटेराइट स्टोन जो होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स से ही बनता है ये भी, और इसका जो कलर है, इसकी जो हम पहचान करेंगे हम कैसे करेंगे, तो इसमें येलो, ब्लैक, ये कलर आ जाते हैं हमारे। उसके बाद में इसका स्पेसिफिक वेट जो होता है हमारा, इसका स्पेसिफिक वेट होता है 2.2, एंड इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, हमारी 18 to 32 kg/cm², और इसका जो यूज करते हैं हम, यूज कहाँ पे होता है हमारा, ये सड़क में, रोड एंड फ्लोर,
बनाने में ही हमारा यूज होता है। जब हम गिट्टी हमको चाहिए होती है रोड में और फ्लोर में, तो वहां पे जो गिट्टी हम लगाते हैं वो हम यूज करते हैं लेटराइट स्टोन की। ये रिसीव कहाँ से होता है हमको? लेटराइट स्टोन जो है हमको रिसीव होता है बिहार से, महाराष्ट्र से, अरुणाचल प्रदेश से, तमिलनाडु, ये हमको यहाँ से प्राप्त होता है। उसके बाद में सिक्स चलते हैं हम। सिक्स नंबर पे आपका आता है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट, ये क्वार्टजाइट जो स्टोन होता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक से आपका बनता है। इसमें जो आपके कलर होते हैं, कलर होता है आपका इसमें रेड होता है, येलो होता है और वाइट होता है। ये तीन कलर इसके इसमें होते हैं आपके क्वार्टजाइट में। और इसका जो यूज करेंगे हम, इसका यूज करते हैं रबल बॉन्ड में। रबल बॉन्ड में इसका हम यूज करते हैं और ये हमको रिसीव होता है उत्तराखंड, आपको यूपी से, राजस्थान से एंड हिमाचल प्रदेश से आपको ये रिसीव होगा। उसके बाद में सेवन नंबर पे आता है हमारा स्लैब। स्लेट जो स्टोन है हमारा, बात करते हैं स्लेट की। तो स्लेट जो स्टोन है ये हमको मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड क्ले रॉक्स से हमको प्राप्त होता है, रिसीव होता है, वहां से बनता है हमारा ये। और इसके जो कलर होते हैं वो ब्लैक होता है एंड डार्क ब्लू होता है, इस तरह का इसके कलर होते हैं। और इसकी स्ट्रेंथ जो होती है, इसकी स्ट्रेंथ होती है 7 7 T 2 21 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी स्ट्रेंथ होती है। और इसका स्पेसिफिक वेट जो होता है वो होता है 2.89। और इसका जब हम यूज करते हैं तो यूज होता है हमारा इसका फ्लोर में एंड रूफ बनाने में हम इसका यूज करते हैं। और रिसीव जो होता है हमें, ये होता है हमारा यूपी से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश से हमको ये रिसीव होता है। उसके बाद में हमारा एट्थ में आता है, एट्थ नंबर आता है हमारा कौन सा आता है? मार्बल। एट्थ नंबर पे हमारा मार्बल स्टोन आता है। ये हमारा मेटामॉर्फिक एंड लाइम जो स्टोन होते हैं उनसे बनता है। और इसमें जो कलर होते हैं ब्लू होता है, ब्लैक होता है, एक हो गया आपका ब्लू, एक हो गया ब्लैक एंड वाइट, येलो, ये कलर होते हैं। और इसका स्पेसिफिक वेट जो होता है हमारा वो होता है 2.65। इसका जो स्ट्रेंथ होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 120 kg पर सेंटीमीटर उसका है। और इसको जो हम यूज करते हैं, यूज कहाँ पे करते हैं हम इसका? ब्यूटीफुल कोई वर्क चल रहा है हमारा, उसको ब्यूटीफुल वर्क बनाने में हम इसको यूज करते हैं। सिंपल है हमारा ये तरीका। उसके बाद में हम रिसीव कहाँ से हमारा ये होता है? इसको हम राजस्थान आरजे एंड यूपी, एपी, एमपी यानी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से हम इसको रिसीव करते हैं। उसके बाद में नाइन्थ नंबर पे हमारा स्टोन आता है नाइस। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स और सिलिसल रॉक्स से बनता है। इसका जो स्पेसिफिक वेट होता है, इसका स्पेसिफिक वेट होता है 2.69। और इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, इसकी स्ट्रेंथ होती है हमारी 2100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी स्ट्रेंथ होती है। और इसका जो यूज होता है, यूज कहाँ पर होता है हमारा? रूफ बनाने में, फ्लोर बनाने में, स्लैब डालने में इसका हमारा यूज होता है। ये हमको रिसीव कहाँ से होता है? ये हमको बिहार से रिसीव होता है, बिहार से,
बंगाल से, अरुणाचल प्रदेश से, ये हमको यहाँ से रिसीव होता है। उसके बाद में टेंथ नंबर पे हमारा कौन सा स्टोन आता है, कंकर। कंकर नाम का हमारा टेंथ नंबर पे स्टोन आता है। ये भी हमारा मेटामॉर्फिक और लाइम जो स्टोन होते हैं उनसे हमारा कंकर नाम का स्टोन बनता है। इसका जो यूज होता है वो होता है हमारा सीमेंट बनाने में, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने में इसका यूज होता है। और हमको ये रिसीव कहां से होता है, नॉर्थ इंडिया से हमको ये रिसीव होता है। उसके बाद में 11 नंबर पे हमारा कौन सा आता है, साइनाइट। साइनाइट नाम का स्टोन आता है हमारा 11 नंबर पे। और ये भी हमारा इग्नियस रॉक से और सिलिशियस रॉक से हमारा बनता है साइनाइट। इसका जो यूज होता है भवन के सजावटी वर्क में हम करते हैं। और जो रिसीव होता है ये आरजी राजस्थान से हमारा ये रिसीव होता है। उसके बाद हम बात करते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर पे जो हमारा स्टोन आएगा वो आता है सरपेंटाइन। 12 नंबर पे सरपेंटाइन आता है, ये इग्नियस रॉक से बनता है। इसमें जो कलर होते हैं हमारा, एक तो ग्रीन होता है, रेड होता है, ग्रीन रेड दो कलर हम इसमें साथ होते हैं, ग्रीन रेड, ये आपका होगा वाइट एंड ब्लू, या आपका होगा ब्लैक एंड येलो। इसका जो यूज होता है चिनाई में, भीतर जो अंदर को हम सजावट वर्क करते हैं वहां पे इसका यूज होता है। और जो रिसीव होता है यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड एमपी मध्य प्रदेश से हमको ये रिसीव होता है। और जो सरपेंटाइन स्टोन जो है आपका, ये एक ही ऐसा स्टोन है जिसे आप नाइफ से, नाइफ यानी चाकू से आसानी से इसे काट सकते हो। सरपेंटाइन नाम का ये इतना नर्म पत्थर होता है आपका कि इसे आप चाकू से भी काट सकते हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारे टेस्ट। ये तो हमने रॉक्स के बारे में पढ़ लिया, स्टोन के बारे में पढ़ लिया, स्टोन के टाइप भी पढ़ लिए। अगर हम क्वेरिंग करेंगे स्टोन की तो किस टाइप से करेंगे, कौन कौन से मेथड होते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे स्टोन जो होता है उस पर टेस्ट कौन कौन से होते हैं। टेस्ट फॉर स्टोन्स, तो हमारे स्टोन पे टेस्ट कौन कौन से टेस्ट हमारे स्टोन पे होते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट कौन सा होता है, पहला टेस्ट होता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, ये होता हमारा पहला टेस्ट स्टोन पे। एंड सेकंड टेस्ट होगा आपका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, वाटर टेस्ट। थर्ड जो होगा आपका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होगा इसमें, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। एंड फोर्थ नंबर पे जो आपका टेस्ट आएगा वो होगा हार्डनेस टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट। एंड जो फिफ्थ नंबर आपका होगा वो होता है एब्रेशन, एब्रेशन टेस्ट। सिक्स नंबर पे जो आपका टेस्ट आता है वो होता है इंपैक्ट टेस्ट, इंपैक्ट टेस्ट। एंड सेवन नंबर पे आता है आपका एट्रिशन टेस्ट। एट्थ नंबर पे आपका इसमें टेस्ट आएगा क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। और नाइन नंबर पे जिसका टेस्ट होता है एसिड टेस्ट। और 10 नंबर पे होता है इसका सीमेंटेशन टेस्ट। ये जो आपका स्टोन होता है उसके आपके 10 टेस्ट होते हैं। तो ये जो लेक्चर था इसमें हमने स्टोन के बारे में पढ़ा, रॉक्स के बारे में पढ़ा, थ्री क्लासिफिकेशन थे,
थ्री क्लासिफिकेशन के भी और भी क्लासिफिकेशन थे उनके बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद हमने मेथड्स पढ़े क्वेरिंग के, फिर हमने कॉमन कुछ हमारे बिल्डिंग स्टोन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा, उनकी स्ट्रेंथ, रिसीव कहाँ से होते हैं, यूज कहाँ पे होते हैं, उनकी हम कलर कैसे होते हैं, किस हमारी रॉक से ये बनते हैं, स्पेसिफिक वेट कितना होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद में हम पढ़ते हैं टेस्ट फॉर स्टोन, हम अपने स्टोन पे कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो जो स्टोन था आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।